एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 एंड 3 हम सॉल्व करेंगे पार्ट 8 में। आपका स्वागत है और बुलाते हैं कुछ मंत्रों को ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 फार्मूला 3 से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज टू 10 इंटू 7 रेज टू 3। यहाँ पे 8 के लिए क्या फॉर्मूला था, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 और उसकी भी पावर क्या थी, 3 इंटू 7। इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2 रेज टू 10 डिवाइड बाय 2 रेज टू 9 इंटू 7 रेज टू 3 डिवाइड बाय 7 रेज टू 1। राइट, अब फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रेज टू 10 माइनस 9 इंटू 7 रेज टू 3 माइनस 1, 2 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 2, 2 इंटू 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, ये आंसर हुआ। चलिए आगे बात करेंगे। 25 का एक फार्मूला था, बताया था मैंने आपको 5 रेज टू 2 लिखते हैं 25 को, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइड बाय 10 को मैं लिखूँगा 5 इंटू 2 उसकी भी पावर 3 इंटू 10 रेज टू 4। राइट, अब 5 की पावर 2 फार्मूला नंबर 1 के हिसाब से पावर ऐड हो जाएगी 4। नीचे आप इस पावर को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, फार्मूला नंबर कौन सा, 11 के हिसाब से, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर पावर है इसीलिए। तो यहाँ पे 5 रेज टू हो गया मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 और 10 रेज टू 4 इंटू, देखो ऊपर तो मैंने 5 5 यहाँ पे ले लिया, 10 रेज टू 8 यहाँ पे ले लिया, मतलब कोई कुछ नहीं बचा है, 1 बचा और नीचे 2 रेज टू 3। अब देखो फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से पावर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, ये रहा फॉर्मूला इसके लिए। जब भी कोई वैल्यू 1 के नीचे लिखी हुई होती है तो आप उसको पावर को माइनस के फॉर्म में दिखा सकते हो, फॉर्मूला नंबर 7 की हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू माइनस 3, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब 2 रेज टू 3 मतलब कितना होगा, 8। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब बड़ा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हम कुछ वैल्यूज को फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन बन पाए। चलिए 3 रेज टू 5 है मल्टीप्लाई 10 को मैं 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 25 को फर्स्ट फॉर्मूला 5 रेज टू 2, 5 को 5 रेज टू 7 के फॉर्म में और 6 को मैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। फाइन, अब 3 रेज टू 5 इंटू ये पावर दोनों के पास जाएगी, फॉर्मूला नंबर 11 के हिसाब से पावर अंदर जाती है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया 2 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 2 डिवाइड बाय 5 रेज टू 7 इंटू ये पावर फिर से अंदर जाएगी दोनों के पास, 2 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 5, ठीक है। अब देखिए 2 रेज टू 5 कट, 3 रेज टू 5 कट, तो क्या बचा ऊपर, 5 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 2 डिवाइड बाय 5 रेज टू 7। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर डिफरेंट, फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से पावर ऐड हो जाएगी।
अब 7, 7 दोनों कट हो गए, आंसर क्या आया 1। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, ये फॉर्मूला का आप लर्न जरूर कर लें, ताकि फॉर्मूले ही हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूले आपके आ गए तो क्वेश्चन तो आप आसानी से बना पाओगे। मिलते हैं पार्ट 9 में, थैंक यू सो मच।